ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में पलायन की मार से खाली हो चुके गांव की तस्वीर अब बदली हुई सी नजर आएगी। ये इसलिए क्योंकि अब सेना के जांबाज इस जिम्मेदारी को निभाने जा रहे हैं। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस बाबत देश के आर्मी चीफ से बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पर्यटन विभाग होम स्टे प्रोजेक्ट के तहत एक नई पहल करने जा रहा है, जिससे पहाड़ों में खाली गांव को होम स्टे के तहत विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग इसमें सेना की मदद ले रहा है। त्रिवेंद्र सरकार ने हाल ही में खाली होते पहाड़ों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए पलायन आयोग से एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी। पलायन आयोग ने 7000 ग्राम पंचायतों का सर्वे किया और 84 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट तैयार की। सर्वे से पता चला कि सबसे ज्यादा पलायन रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी जिले में हुआ है। पिछले 10 सालों में 6338 ग्राम पंचायतों में से 383,726 लोग पलायन कर चुके हैं, जबकि 3,946 ग्राम पंचायतों में से 1,18,981 लोग स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। होमस्टे की जो हमारी योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पर्यटन योजना, उसके अंतर्गत हम लोग फंडिंग कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, ताकि हमारे बेरोजगार भाई जो है निकल करके आए। पलायन की चिंता जताते हुए सतपाल महाराज ने